खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को हनुमानगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। सभा में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने राजस्थान की आबरू और सम्मान पर प्रहार किया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। एक मंत्री का नाम लिए बिना नड्डा बोले कि एक मंत्री ने विधानसभा में बहुत हल्का बयान दिया है, ये गहलोत और उसकी सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जोधपुर जल रहा था और सीएम गहलोत अपना जन्मदिन मना रहे थे। नड्डा ने जनता से कहा कि सरकार को प्रजातांत्रिक तरीके से उखाड़ फेंकना होगा। मुझे राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चाहिए। ये सरकार मेवा और कमीशन खाने में लगी है। यहाँ हर रोज घोटाले हो रहे हैं। एक समय हमारे 2 सांसद थे, आज 302 सांसद हैं। आज हमारा परिचय अगर विरोधी भी देता है तो वो भी कहता है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि विरोधी को भी ये पता है कि राष्ट्रवादी पार्टी सिर्फ भाजपा ही है। नड्डा ने बुधवार को हनुमानगढ़ में राजस्थान के 10 नए जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया और कुछ कार्यालयों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल माध्यम से हम एक स्थान से ही 10 कार्यालयों का श्री गणेश कर रहे हैं और 4 स्थानों पर कार्यालयों का भूमि पूजन कर रहे हैं। ये राजस्थान भाजपा के लिए एक उत्सव का अवसर है। बताइए, राजस्थान का विकास होगा कि नहीं होगा? तो हर दृष्टि से एक विकसित देश को, विकसित प्रदेश को बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा कि मैं आपसे आज कार्यालय के उद्घाटन में तो आया हूं, लेकिन मैं यहाँ पर निश्चित रूप से राजस्थान की जनता से और विशेष करके हमारे हनुमानगढ़ की जनता, बीकानेर में जो हमारे लोग सुन रहे हैं, श्री गंगानगर में जो हमारी बात को सुन रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, बांसवाड़ा में, नागौर में, उदयपुर में, अलवर में, हमारे प्रतापगढ़ में और हमारे दौसा में, बारा में और चुरू में जो हमारे कार्यकर्ता हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि मुझे राजस्थान में